तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,885 नए केस सामने आए और 461 लोगों की मौत हुई। कल से 8% ज्यादा केस सामने आए। वही रिकवरी रेट की बात करें तो यह 98.23% है, जो कि पिछले मार्च 2020 से सबसे ऊंची है। पिछले 24 घंटों में 15,054 मरीज कोरोना से ठीक हुए। अब तक कुल 3,37,12,794 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,48,579 है, जो कि पिछले 253 दिनों में सबसे कम है। वही डेली पॉजिटिविटी रेट 1.21% है, जो कि पिछले 21 दिनों से 2% से नीचे है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.17% है, जो कि पिछले 41 दिनों से 2% से नीचे है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वैक्सीनेशन 30,90,920 हुआ है। बता दें कि दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस का ग्राफ नीचे जा रहा है। वही राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना से मौत की संख्या ना के बराबर बनी हुई है। इस क्रम में बुधवार को भी दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर आई। राज्य में लगातार 12वें दिन कोरोना संक्रमण से एक भी मौत नहीं हुई है।